झज्जर शहर के छारा चुंगी पर वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुकल भी उनके साथ रही। कांग्रेसी नेताओं का कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक गीता भुकल ने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया और कहा हमें महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कबलाना गांव में सामुदायिक केंद्र की भी नींव रखी। वहीं 5 राज्यों में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और भाजपा ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेसी नेताओं की आवाज को दबाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है और हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव के दौरान ईडी पहुंची थी, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल की जनता पूर्ण बहुमत से दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। वैसे ही 5 राज्यों की जनता भी अब भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और एक बार फिर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही सफाई कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष को बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वह किसको अध्यक्ष बनाए या नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आ जाइए, आओ बहन जी, आप भी आ जाइए। आज हम सब झज्जरवासी इस शुभ दिवस पे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पे हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान वाल्मीकि जी से कि उनका आशीर्वाद पूरे विश्व को मिले, भारतवर्ष को मिले, हमारे इलाके को मिले और उनके आशीर्वाद से हमारा इलाका फले फूले, पूरा विश्व उनका जो उनकी जो कलम की दृष्टि थी उस समय उनकी कलम की दृष्टि ने हमारी संस्कृति हमारे धर्म की नींव रखने का काम किया। वो उनकी कलम की दृष्टि ऐसी दृष्टि थी जिसने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने का काम किया। ये शक्ति थी, ये दृष्टि थी और मैं मानता हूँ कि उसका जो संदेश, वो जो रामायण का संदेश कि जिस इस सृष्टि में इस विश्व में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, यहाँ जीत न्याय की होती है, यहाँ जीत सत्य की होती है, यहाँ जीत सदाचार की होती है, अहंकार की नहीं सदाचार की जीत होती है। ये आज हम उनको जो है आज हम पूरे झज्जरवासी ये जयंती हम मना रहे हैं। यहाँ पर केवल हमारे जो वाल्मीकि समाज ही नहीं, छत्तीस बिरादरी मिलके हम लोग ये आज हम समझते हैं कि ये जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे सारे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, झज्जर वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपी साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ईडी की एंट्री हुई है, क्या कहेंगे आप? 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ईडी की एंट्री होगी है तमाम जगह, तो भाजपा की एक कार्यशैली है, कार्यशैली का एक हिस्सा बन चुका है। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं उनमें तो कहीं ईडी पहुँचती नहीं। यहाँ पर हरियाणा में अदानी बिजली घोटाला, यह हरियाणा में पेपर लीक घोटाले, बिजली उपभोक्ताओं के बिजली का बिल बढ़ा दिए, समझौता तोड़ के अदानी को ज़्यादा महंगी बिजली में समझौता कर लिया हरियाणा सरकार ने, वहाँ सब ईडी नहीं पहुँचेगी। ईडी जब जो है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सारे कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले कर्नाटक में भी ईडी गई थी, हिमाचल प्रदेश में भी ईडी गई थी, लेकिन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के लोगों ने वहाँ पे प्रचंड बहुमत से, बड़े बहुमत से, तीन चौथाई बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहाँ पे उन प्रदेशों में बनाने का काम किया। प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग सही नहीं है। लोकतंत्र बचाने की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा की कार्यशैली है कि विपक्ष की हर आवाज़ को किसी तरीके से दबाया जाए, लेकिन हमारी आवाज ऐसे दबने वाली नहीं है। देखिए ये इनका अंदरूनी मामला है,
और भाजपा के अंदरूनी फैसलों पर हम कोई कमेंट मैं समझता हूँ हम नहीं करें। हम बीजेपी नहीं हैं कि पिछले 9 साल 9.5 साल से बीजेपी ने अपना एक कोई काम तो बताते नहीं कि गरीब के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, किसान व्यापारी के लिए क्या किया। वो केवल हर बात में कहते हैं कांग्रेस का संगठन नहीं बना, कांग्रेस में गुटबाजी है। हम दूसरों के घरों पे के बारे में हम ज़्यादा उनके अंदर की क्या खटपट चल रही है मैं समझता हूँ कि वो हमारा कर्तव्य नहीं है। विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार कैसा कार्य कर रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अब ये किसी को बनाएं किसी को हटाएं। जनता ने मन बना लिया कि इनको हटाएंगे सत्ता से, क्योंकि इन्होंने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया है इनको सत्ता से। और अब ये जो हम आपसे आग्रह चाहेंगे, जो हमारे आयोजक हैं उनका बधाई देना चाहूँगा, हमारे आलू जी जो कि हमारे पार्षद बहुत वरिष्ठ नेता है हजर के, ये बता रहे हैं कि अभी कार्यक्रम में लेट चल रहे हैं तो उसके बाद बात जो विस्तार से कोई भाटिया साहब कोई होगा उसके बाद बात भी कर लूँगा मैं। ये क्या देखो आप इनसे परिजात ले लीजिए, मैं दे दूँगा।